हाँ जी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ये जो तेरी पायलों की, समझ गए। तो इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस गाने को अपने पियानो के ऊपर किस तरीके से इजीली प्ले कर सकते हो। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी। तो शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने पियानो की तरफ। हाँ जी। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि इस पूरे गाने में अपने को कौन सी कीज यूज़ करनी है प्ले करने के लिए। इसका अंतरा से लेकर मुखड़े में खाली वही आपको कीज प्ले यूज़ करनी है, और उसके अलावा आपको और कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो देख लेते हैं। ओके, क्लियर। तो इसमें फिर अगर आपको ये की समझ में आ गई तो एक एक्स्ट्रा ये, और इसके बीच में अंतरे में ये कीज भी आगे जाके यूज होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप ये ध्यान रखिए। ओके, क्लियर। तो इसमें सबसे जो मेन पहली लाइन जो ट्रेंड है उस लाइन को अपने देख लेते हैं। हाँ, तो अगर इस लाइन को आप सीख गए तो आपको समझ लो काफी सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप आगे भी चाहे तो प्ले कर सकते हो। तो किस तरीके से, ओके। तो इसमें आपने अलग अलग पार्ट कर दिए जिसको आपको समझने में आसानी हो। अगर आपके पास पियानो नहीं है तो आप अपने मोबाइल पियानो में हारमोनियम के या किसी भी और ऐसे पियानो के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप प्ले कर सकते हो। एक तो ये सुर और एक ये सुर, तो किस तरीके से, फिर पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में, एक बार फिर से, फिर क्लियर। इसके आगे और फिर इसके बाद में डायरेक्ट यहां पे आ जाना है। सेकंड पार्ट के आपने और तीन पार्ट कर देते हैं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, पूरे को एक साथ प्ले कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से। ये थोड़ा आगे की तरफ है क्योंकि सुर थोड़ा ऊंची है, तो किस तरीके से, पहले एक दो तीन, फिर एक दो तीन, और फिर बाद में घुमा के यहां पे, फिर इसके बाद में, उसके बाद में, अलग अलग चार पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर। तो अब दोनों को आप साथ में प्ले कीजिए और ओरिजिनल गाने के साथ प्ले कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको मेन टाइमिंग का पता चले। ओके, हाँ जी। तो अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी, यूजर नेम आ गया होगा, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ गया होगा, आप वहाँ पे जाओ, मेरे को हाय हेलो जो भी पूछना है मेरे को पूछो, कॉल मत करना, और जो भी होगा तो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, तो अगर आपका स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो आप पीछे करके वापस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और अपने पियानो के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी। तो दोस्तों इसका अंतरा देख लेते हैं वो किस तरीके से। फिर से, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से आप इजीली प्ले कर सकते हो। तो इसके अपने तीन पार्ट कर देंगे, पहला तीन इधर, फिर अगला इधर, फिर इन चारों के ऊपर घूमेगा जैसे आपने देखा। तो पहला कैसे, किस तरीके से, दूसरा,
तीसरा समझ गए। हाँ जी, तो इसके आगे जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सुर यहां पे यूज होगा। किस तरीके से? फिर सेम ही है, इसमें एंड पहले पार्ट में एंड यहां पे होगा, दूसरे में यहां पे, और सेकंड में। क्लियर? तो इसके बाद में वापस सेम वही पहली लाइन जो अपने अपने पहले सीखे थे, लेकिन थोड़ा सा अलग। पहले में कैसा था और इसमें देखा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कोई भी बात नहीं, चलेगा। एक बार आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद इंप्रूवमेंट आएगा, और फिर इसी तरीके से गाना आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और बात रही बीच के म्यूजिक की, अगर आपको सीखना है तो मैंने जो आपको सुर बताए उन्हीं के बीच में पूरा म्यूजिक होगा, एक ही स्केल पे पूरा म्यूजिक रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हाँ जी, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जो भी कोई भी सुझाव या सवाल हो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।